अब ये कहता है, ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसका रेडियस दिया हुआ है इन्होंने 15 मीटर पर सेकेंड, 15 नहीं सॉरी, एक्सलेशन दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल गिवन इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है, अब रेडियस एट, ये जो ए है ध्यान दे रहा है, एक टोटल एक्सलेशन है। अब पार्टिकल अगर सर्कल में चलता है तो मैं कितने एक्सलेशन हो सकते हैं, कितने एक्सलेशन हो सकते हैं, दो होगा यार। पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है तो दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक ही एक्सलेशन होता है जो सेंटर की तरफ होता है, और नॉन यूनिफॉर्म है तो दो होते हैं एक, ठीक है, दो होते हैं, एक सेंटर की तरफ होता है और एक किस टेंजेंशियल होता है अगर ऐसे चल रहा है तो। ठीक है, चलो, तो ये जो ए है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये कह रहा टोटल एक्सलेशन है ए, ऐसा कुछ। अब रेडियस 2.5 है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो हमें पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। इन द गिवन रिप्रेजेंट टोटल एक्सलेशन पार्टिकल मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्पीड, तो स्पीड कैसे निकाला जाए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर मैं स्पीड निकालूं यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले तो एक सर्कल है, इस सर्कल में एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा किसी इंस्टेंट यहाँ पर है, और उसका जो टोटल एक्सलेशन है रेडियस वेक्टर से, टोटल एक्सलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है जो कि रेडियस वेक्टर से 30 डिग्री पर है। क्लियर है, अब हमको पता है पहले से, हम लोगों को पता है पहले से इस टाइप का डायरेक्शन है। ठीक है, हम लोगों को पहले से पता है कि इस पॉइंट पर दो एक्सलेशन होता है, एक होता है ए टी, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, काइनामेटिक्स पढ़े ना, और ये यहाँ पर होता है ए सी, सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंटर की तरफ और एक होता है टेंजेंशियल, ये वेलोसिटी बदलने की वजह से होता है मैग्नीट्यूड में, और ये वेलोसिटी डायरेक्शन में बदलने, कुल मिला के इसके पास दो एक्सलेशन है यार। ठीक है, अब जो टोटल एक्सलेशन अगर वेक्टर वेक्टर से देखोगे तो इस एक्सलेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस एक्सलेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक जाएगा सेंटर की तरफ जो होगा ए कॉस 30, और एक जाएगा इधर जो होगा ए साइन 30। हमें स्पीड चाहिए तो हमें स्पीड ए कॉस 30 से ही निकल जाएगा, जो सेंटर की तरफ एक्सलेशन आता है, जो सेंटर की तरफ एक्सलेशन आता है उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर ओवर आर आर। ठीक है, और यहां पर जो सेंटर की तरफ एक्सलेशन आया वो ए कॉस 30 आ गया बाय द कैलकुलेशन। अब यहां से अपनी भी साफ दिख रही है, तो हम बहुत आसानी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, हमें चाहिए भी स्पीड, तो भी का स्क्वायर इधर ही रहने, तो आर की वैल्यू डालो, आर कितना है 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर, और ए क्या है टोटल एक्सलेशन, ये कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ ना, तो ये दिया हुआ 15, तो ये दिया हुआ है 15, और ये cos 30 sin 60 √3/2। अब ये जो है वो सॉल्व कर लेना तुम, ये सब रूट के अंडर ले लेना। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, देख लेना कितना आ रहा, 5.7, इसको सॉल्व कर लेना, रूट में ले लेना। क्लियर है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।